वह बर्फीली यात्रा। प्रस्तुत पाठ में दो छोटे छोटे बच्चों की साहसिक व अनोखी पर्वतारोहण यात्रा का वर्णन है। बहुत छोटी थी संगीता, केवल 7 वर्ष की, और उससे कुछ ही बड़ा था उसका भाई रूपेंद्र। वे हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में रहते थे, जहां से रोहतांग दर्रा ज्यादा दूर नहीं था। 13,000 फुट से ऊंचा रोहतांग दर्रा बर्फ से ढका हुआ, जहां बर्फीली आंधियां चलती थीं। बड़े बड़े साहसी और सूरमा भी उधर जाने से घबराते थे। सभी लोग कहते, रोहतांग दर्रा खतरनाक है, पर संगीता और रूपेंद्र के लिए वह घर जैसा ही था। रोज वे वहां खेलने जाते और जमीन पर पड़ी बर्फ को उठाकर गेंद की शक्ल में एक दूसरे पर फेंकते। सब और उनकी मीठी खिलखिलाहटें बिखर जाती। यह उनका रोज का प्रिय खेल था। एक दिन संगीता बोली, भैया क्या हम रोहतांग दर्रा पार कर सकते हैं? हैं? रूपेंद्र के चेहरे पर आश्चर्य का भाव था, बोला, बड़े बड़े हिम्मती स्केटिंग वाले तो हिम्मत कर नहीं पाए, और हम, मालूम है कितनी मुश्किलें आएंगी, हम तो बर्फ में दब ही जाएंगे। पर संगीता की निराशा बड़ा भाई रूपेंद्र समझे बगैर ना रह पाया, बोला, तो क्या तुम चाहती हो हम रोहतांग दर्रा पार करें, पर रास्ते में जो मुश्किलें आएंगी क्या उन्हें बर्दाश्त कर पाओगी, रोगी तो नहीं? संगीता ने हंसकर कहा, नहीं बिल्कुल नहीं रोऊंगी। तो अब चलें। ऐसे शुरू हुई एक अनोखी पर्वतारोहण यात्रा। ऐसी यात्रा जिसमें दो छोटे छोटे बच्चों को प्रकृति के भीषण रूप से टक्कर लेते हुए अपनी हिम्मत और बहादुरी की विजय पताका फहरानी थी। दोनों बर्फ पर फिसलने का खेल खेलते हुए हंसते खेलते चल पड़े। कुछ मील तक तो पता ही नहीं चला, क्योंकि यहाँ तक तो वे वैसे ही घूमने चले आते थे। उछलते कूदते हंसते खिलखिलाते हुए बर्फ के खेल खेलते थे, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़े उनके धैर्य की परीक्षा शुरू हो गई। मौसम ठंडा था, हवा में इतनी ठंडक थी कि लगता था खून तक जम रहा है। शाम होते होते वे रोहतांग दर्रे के एकदम बीच में आ पहुंचे। सब और बर्फ की बर्फ, मानो पूरी दुनिया बर्फ में समा गई हो। बीच बीच में तेज हवाएं और आंधियां चलती तो दोनों को लगता कि वे तिनके की तरह इस आंधी में उड़ जाएंगे और फिर कभी वापस घर नहीं लौट पाएंगे। प्रकृति के तूफानी थपेड़ों से टकराते हुए दोनों नन्हे पर्वतारोही अपनी अनोखी यात्रा पर बढ़ते रहे। आखिर वह दिन भी आया जब अपनी खतरों से भरी यात्रा पूरी करके वे रोहतांग दर्रे के बाहर आए। वहां सबको अपनी इस रोमांचक साहस कथा के बारे में सुनाया। पहले तो लोग भौचक्के ही रह गए, फिर हुलसकर लोगों ने उन्हें कंधे पर उठा दिया, फूलों की मालाएं पहनाई। देखते ही देखते वे बालक जनता के लाडले और दुलारे हो गए। उनकी यह साहस कथा दूर दूर तक फैली और फिर उन्हें वीरता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। जो जो उनकी साहस कथा सुनता दांतों तले उंगली दबा लेता, पर संगीता और रूपेंद्र हंसकर कहते, हमें बर्फ से प्यार है, तो फिर भला हमें बर्फीली आंधियों की क्या परवाह। हम चाहते हैं कि सभी बच्चे बहादुर बने, ताकि कोई यह ना कह सके कि बच्चे बड़ा काम नहीं कर सकते।